फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो क्राइलोन का सुप्रा पैलेट है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पैलेट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम क्राइलोन के बारे में जान लेते हैं। क्राइलोन जो है जर्मन बेस्ड कंपनी है और प्रोफेशनल मेकअप पे इसका यूज होता है। फिल्म्स में, टीवी में और थिएटर में इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है और ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट अपनी वैनिटी के अंदर डर्मा पैलेट और सुप्रा पैलेट रखते हैं। इनकी पेन स्टिक भी रखते हैं। ये काफी बजट फ्रेंडली और ये अच्छा रहता है मेकअप्स के लिए। और अगर आप बिगनर हैं तो आपकी वैनिटी के अंदर ये वाले दोनों पैलेट तो जरूर होने चाहिए, डर्मा और सुप्रा, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्किन के मेकअप आते हैं। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप हर स्किन का फाउंडेशन अपनी वैनिटी के अंदर रखें। स्टार्टिंग में बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और ये इजी हर स्किन टाइप का मेकअप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ, सुप्रा पैलेट के बारे में। जो इसकी पैलेट है वो 6 पीस में भी अवेलेबल है, 12 में भी अवेलेबल है और 24 पे भी अवेलेबल है। वो आप पे डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कितने अलाउड करती है, 6 वाली, 12 वाली या 24 वाली। मैंने जो इसकी पैलेट ली है वो 12 पीसेस वाली ली है। तो मैं इसके टेक्सचर के बारे में आपको बता देती हूँ। ये ऑयल बेस्ड टेक्सचर है इसका। तो ये इसका टेक्सचर है तो ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है और विंटर में इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम ऑयली स्किन पे इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऑयली स्किन है और ये ऑयल बेस है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो मैं इसकी कवरेज के बारे में बताना चाहूँगी आपको। जो इसकी कवरेज है 45-50 है। अगर आप कंसीलर यूज़ कर रहे हैं और कंसीलर के बाद इसका आप यूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑयली स्किन पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो आपकी टेक्निक के ऊपर होता है। आप ऑयल बेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बस आपकी टेक्निक के ऊपर होता है आप एड कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये हर सिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने कलर्स डिसाइड किए हुए हैं। कोलकाता में इसके कलर्स जो रेंज है पैलेट की वो डिफरेंट होगी, केरला में इसकी डिफरेंट होगी और दिल्ली में इसकी डिफरेंट है। मेरे पास दिल्ली 2 है और इसके अंदर 12 पीस है। तो बताऊंगी कि आप कैसे इसकी जो रेंज है डिफरेंट, इसमें जो कलर्स दिए हुए हैं अलग अलग रेंज के, आप कैसे यूज़ करें और आपको आराम से याद हो जाए कि कौन सी स्किन पे कौन सा शेड्स जाएगा और कौन सा नंबर जाएगा। तो पहले मैं बात करती हूँ 6-6 के बारे में। जो 6-6 है ये फेयर टू वेरी फेयर स्किन पे जाता है और जो इसकी स्किन टोन होती है पिंक स्किन टोन पे जाएगा और FS रेंज है वो जाती है येलो अंडरटोन पे, फेयर टू मीडियम टू फेयर में, तो आप उस पे यूज कर सकते हैं। और आइवरी आपको पता होगा, आइवरी यूज होता है हाईलाइट के लिए, ये काफी लाइट कलर होता है। और फेयर में जो और कलर है इसका 165 फेयर कलर है इसका, 303 इस पे कलर करेक्टिंग के लिए दिया हुआ है और F8 आप कंटोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस रेंज में 072 इन्होंने मेरे को दिया हुआ है, 072 ये जो है ये पिंक कलर है, ये बेसिकली पिंक कलर है। अगर आप फेयर में अगर आप जाना चाहें, फेयर में आपको लग रहा है उनकी स्किन टोन पे वो जो मेरे पास पैलेट में कलर है वो नहीं जा रहा है तो आप हल्का सा मिक्स कर सकते हैं ये वाला कलर, तो वो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सुप्रा पैलेट में जितने भी कलर हैं, जरूरी नहीं है आप इसको सिर्फ फाउंडेशन के तौर पे यूज़ कर सकें। अगर आपको कलर के साथ प्ले करना आता है तो इसके बीच में जो कलर्स हैं आप उसके कलर करेक्टिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्स मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कलर के साथ कैसे आप प्ले कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।